हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज भी विद्यार्थी फेल पास पर आधारित प्रश्न जारी रहेगा। आइए देखते हैं पहला सवाल। तो प्रतिशतता में ये फेल पास पर आधारित प्रश्न है, वो ये नए टाइप का प्रश्न है। हाँ देखें, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्णांकों मतलब उपास मार्का से, जितने में उपास हो जाए उससे 20 अंक ज्यादा पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? तो उत्तीर्ण वाला नंबर बटे टोटल नंबर गुणे 100, लास्ट वाला जो आंसर आपका है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत, उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत बराबर है उत्तीर्ण अंक, मतलब पास होने के लिए न्यूनतम कितना चाहिए, जो अपने उत्तर प्रदेश बोर्ड में है 30 नंबर चाहिए, 30/100, 30 टाइम से पास होने के लिए जितना चाहिए। कितने सब्जेक्ट की बात है, ये टोटल सब्जेक्ट की बात कर रहा है, कैसे क्या है। हाँ देखें, तो क्वेश्चन के हिसाब से चले, इसमें फार्मूला वगैरह ट्रिक के ज्यादा फार्मूला के चक्कर में ना पड़े, ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, सब एक जैसा ही है, इसमें कोई लंबाई नहीं सवाल में। देखें तो यहां देखें, एक परीक्षा में अधिकतम 20% अंक प्राप्त करने वाला, ये 20% जो अंक प्राप्त किया छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 5 अंक और पा गया होता तो पास हो जाता, 5 कम है तो प्लस लगा दो बराबर, अभी पास होता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं और 30% अंक पाने वाला 20 अंक अधिक पा जाता, पास होने से 20 अंक ये ज्यादा पाया तो घटा दो 20 अंक। खुद ध्यान दिया जाए, ये लाइन बहुत विशेष गौर करें और सवाल एकदम खत्म हो गया है, समझ लीजिए। 20% जो अंक पाया है, 5 अंक कम पाया था तो जोड़ दिए, तो पास वाला नंबर ये भी है, और ये 30% जो दूसरा लड़का 30% अंक पाया था वो पास से जितने नंबर से वो पास हो जाता उससे 20 अंक ज्यादा पाया तो घटा दिए ताकि बराबर हो जाए। तो ये भी पास मार्क का, जिसे 33% नंबर होता है या 33 नंबर, और ये भी वही चीज है, दोनों एक ही चीज, दोनों मान क्या हो गए बराबर। और इस टाइप का प्रॉब्लम हल करने के लिए परसेंटेज को एक तरफ कर लेना चाहिए और गिनती को एक तरफ। हाँ तो देखिए, उस तरफ ले जाएंगे अगर, यहां देखा जाए तो ये सब जल्दी करने के लिए घटाना आपको आना चाहिए। देखिए यहां पे 20 इस तरफ ले जाए, 20 5 25 हो गया, और इस 20% को उधर ले गए तो 30 से 20 गए 10 हो गया, मतलब यहां पे आ रहा है 10% बराबर कितना 25। ये सब लाइन आप लिखिए, अरे चलो गिनती को इस तरफ ले आओ, 20 5 25 बराबर उधर ले जाओ, 30 से 20 गए 10, मतलब 10% बराबर 25। तो इधर प्रतिशत लिख लीजिएगा बाद में, और इधर गिनती वाला प्रतिशत को एक तरफ करो और गिनती को एक तरफ करो बिना प्रतिशत वाला, तो 10% 25 के बराबर है। तो इसलिए 1% 25/10 के बराबर होगा, इसलिए 100% अंक कितने के बराबर होगा, 25/10 × 100, इससे ये 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना आया 250। तो जो टोटल अंक है, मतलब जितने में कॉपी चेक हुई है, 100% अंक, 10% अंक 25 के बराबर है, तो 1% 25/10, 100% अंक इसके बराबर है, 100 मतलब जितने में कॉपी चेक हुई है वो 250 के क्या है बराबर है, 250 नंबर, 100% मतलब टोटल नंबर है। हाँ, और पास वाला नंबर, पास होने कितना नंबर से पास हुआ, तो देखिए टोटल का 20%, तो 250 का 20% माने 20/100, इसमें 5 जोड़ लीजिए, इसमें 5 जोड़ लीजिए, तो 20 25 100, तो 5 5 25, ये 50 आया, तो कितना आ रहा है 55 नंबर से ये पास हो जाएगा।
तो ये 55 चाहे आप इधर वाले से हल करिए तब भी 55 आएगा, इधर वाले से हल करेंगे तब भी 55 आएगा। तो यहां कहेंगे 250 × 30/100। अगर आपको आशंका है तो हल करके देख लिया जाए तो 250 × 30/100 -20 करेंगे, देखिए डबल जीरो कर गए तो 25 × 75, 75 में से जब 20 घटाएंगे तो फिर क्या आएगा, 55 आएगा। तो ये भी पास वाला नंबर, ये दोनों बराबर है, ये पास मार्क है, ये भी है पास मार्क का, ये भी है। अब कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत बताइए, मतलब जो उत्तीर्ण होने वाला प्रतिशत, हाँ उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण अंक है 55 / टोटल अंक, टोटल अंक है 250 × 100, मतलब कितना परसेंट अंक पाए कि वो उत्तीर्ण हो जाए, तो उत्तीर्ण अंक बटे टोटल अंक गुणे 100, उत्तीर्ण वाला नंबर बटे टोटल नंबर। या जैसे आप भी बोर्ड परीक्षा पास किए तो आप घर वाले पूछते कितना नंबर पाए, तो टोटल नंबर बटे जितना पाए आप वो नंबर बटे टोटल नंबर गुणे 100, यही तो परसेंटेज आप बताते हो अपने घर वालों को, जितना टोटल नंबर पाए, जितना टोटल कॉपी में चेक हुआ, कॉपी चेक हुआ गुणे 100 करते हो तो आपको आ जाता है। तो बस यही है, इसमें और कोई बात नहीं है। ये देखिए यहां से ये कट गया, पंचम 25, 5 इग्रहिया में, 5 × 2 = 10, 11 × 2 = 22%, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अच्छा सवाल था। हाँ क्वेश्चन 2 देखा जाए, क्वेश्चन 2 भी इसके जैसा ही है। अब इसे रोक कर वीडियो इस क्वेश्चन को स्वयं सॉल्व करना चाहिए। देखिए एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक पाता है, अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने वाले अंकों का प्रतिशत है। तो सेम यही सवाल यहां भी है। तो प्रश्नानुसार हम लोग फिर चलेंगे। देखिए 20% अंक प्राप्त करने वाला कितने 30 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब अगर फेल हो रहा है तो अगर ये इतना ज्यादा पाया होता 30 अंक तो ये भी बेचारा क्या हो जाता, पास हो जाता। अब एक दूसरा इसका दोस्त है वो 32% अंक प्राप्त करता है, 32% अंक प्राप्त करता है, प्राप्त करके पास होने वाले अंक से 42 ज्यादा पाता है, ज्यादा पाता है तो घटा दो 42, तो इसके बराबर हो जाएगा। यहां बराबर का चिन्ह लगाए हैं तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर करना है। तो ये भी पास होने वाला नंबर मात्र है, ये भी पास होने वाला नंबर मात्र है, बस इतना है। अब इस टाइप का सवाल हल करने के लिए आपको परसेंटेज वाला एक तरफ कर लेना चाहिए, वो गिनती वाला एक तरफ कर लेना चाहिए, गिनती वाला इस तरफ ले आओ। देखो 40 × 30 = 70 = 72, 72 बराबर इसको उस तरफ ले जाओ 12%, यही ना है, तो इसको लिख दो हमें परसेंटेज जरूरत है, 12% बराबर क्या 72 आया, इसलिए 1% बराबर 72/12, इसलिए 100% बराबर 72/12 × 100, 12 × 6 = 72। ये टोटल अंक है, टोटल अंक जितना कॉपी चेक हुआ वो 600 है, उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण मतलब पास होने वाला अंक, उत्तीर्ण उत्तीर्ण अंक कितना है, उत्तीर्ण अंक चाहे इधर रखिए चाहे इधर रखिए, ये टोटल नंबर का 20% ये है, तो 600 का 20% 20/100 और इसमें 30 जोड़ दीजिए, ये देखिए कितना आता है, तो 20/25 = 100 इतना है, 5 × 5 = 10 = 120, 120 × 30 = 150। पास के 600 में कॉपी चेक हुई है, 600 में कॉपी चेक हुई है और पास होने वाला नंबर 150 है, तो ये चीज प्रतिशत में बताना, पास उत्तीर्ण अंक प्रतिशत में, उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण अंक प्रतिशत में बताना है, तो उत्तीर्ण अंक बटे टोटल अंक जितने में कॉपी चेक हुआ है गुणे 100, यही आपको बताना है। तो ये देखिए डबल जीरो यहां से कैंसिल हो गया, 6 से आपको काटना है, तो 6 × 12 = 30 = 25%, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए कितना अच्छा सवाल था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए।
हाँ विद्यार्थी, तीसरा न्यूमेरिकल देखा जाए, तीसरा न्यूमेरिकल कह रहा है एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। अधिकतम अंक बताइए, अधिकतम अंक बताइए कि यहाँ तालुक है कि टोटल कितने नंबर में कॉपी चेक हुआ, ये आप समझिए। इतना केवल पूछा है। तो इससे पहले वाला जो सवाल 2 साल की हम लोग उसी कंसेप्ट पर सेम सवाल है। तो 3 सवाल एक कंसेप्ट पे हम लगवा रहे हैं। अब आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसे तुरंत सॉल्व कर लेना चाहिए तभी मेरा सलूशन दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे 30% अंक किसी परीक्षा में प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 6 अंकों से फेल हो गया। 6 अंकों से फेल हो गया मतलब 6 अंक अगर वो ज्यादा पाया होता तो पास हो जाता, तो पास वाला नंबर हो गया। अब अगला विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंक से 6 अंक ज्यादा पा गया, इसमें से 6 अंक घटा लो तो ये भी पास मार्क का हो जाएगा, ये भी पास वाला नंबर हो जाएगा, दोनों पास है। अब परसेंटेज को एक तरफ कर लेना चाहिए। आपको बता, देखिए इधर 6 6 12 हो गया, 40 में 30 गए 10, मतलब जल्दी करना चाहिए। 10% बराबर क्या 12 आ रहा है यहाँ पे, इसलिए 1% बराबर 12/10, इसलिए 100% मतलब 100% मतलब टोटल अंक आपको पता चल जाएगा, जितना अधिकतम अंक जितना होता है 100% ही तो होगा, 100% मतलब टोटल। तो ये 12/10 × 100 यही हो जाएगा, देखिए 0 कट गया तो 120 आपका आया आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये केवल पूछा था अधिकतम अंक बताइए, अधिकतम 120 अंक है। अब कितना वो ये तो पूछा ही नहीं है, नहीं तो अगर ये क्वेश्चन ये पूछ लेता पास होने वाला नंबर बताइए तो 120 का 30% धनछा कर देते पास होने वाला नंबर, और उसका प्रतिशत में बताइए तो उत्तीर्ण अंक पास होने वाला अंक बटे टोटल अंक गुणे 100, यही इससे पहले वाले सवाल में किया गया, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछा है, ध्यान दें। तो इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, टोटल अंक बताइए, पास होने वाला उत्तीर्ण वाला प्रतिशत बताइए, उत्तीर्ण होने वाला अंक बताइए, तो ये 3 बनता है। तो ये 3 क्वेश्चन एक टाइप का है, इस टाइप के कई सवाल दिए हैं तो हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए 4था सवाल देखा जाए, ये दूसरे टाइप का है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है, मतलब एक कोई परीक्षा है जिसमें 80 क्वेश्चन है और अर्पिता ने 40 क्वेश्चन का 65% सही उत्तर देती है, पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष जो 40 क्वेश्चन बचा है में से उसे कितने प्रतिशत सही करने होंगे। 40 क्वेश्चन हल किया तो 65% सही किया, और अगला 40% कितना सही करे कि टोटल सही कितना हो, मतलब 80 क्वेश्चन में 75% ये सही चाहते हैं। जौने में आधा क्वेश्चन तो कर डाले 65% सही हुआ, तो आधा क्वेश्चन बहुत ज्यादा सही परसेंटेज में बहुत ज्यादा होना चाहिए। हाँ तो देखिए 60% और 75% ये दोनों गलत है, क्योंकि 75 से भी ज्यादा परसेंट है, क्योंकि यहाँ भरपाई करना है। आप देखिए यहाँ 65% है तो यहाँ 75 टोटल का होना चाहिए। अब ये 40 क्वेश्चन जो बचा है ये 75% से भी ज्यादा सही हो तब जाके संभावना बन सकती है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी एकदम गलत है, 80 सही हो सकता है, वो भी गलत ही लग रहा है क्योंकि 80 भी बहुत नजदीक है, उम्मीद नहीं है कि सही हो जाएगा और ज्यादा परसेंटेज चाहिए था, तो हो सकता है इसमें ननावदी सही हो, मतलब बी और डी सही हो सकता है, ए और सी एकदम गलत है। आपके दिमाग से पढ़ने से क्वेश्चन पता लग जाना चाहिए था। चलिए देखते हैं, तो टोटल क्वेश्चन है 80 का क्या परसेंट चाहिए, 80 का 75% वो चाह रहा है, जिसमें अर्पिता ने 40 क्वेश्चन का कितना परसेंट सही किया, 65% सही किया, और 40 क्वेश्चन और बचा उसका क्या परसेंट सही करे, तो मान लेते हैं 100% सही करे, वही 100 तो पूछा है, जो शेष 40 क्वेश्चन बच गए वही तो हमसे पूछा है, बस यही सॉल्व कर लीजिए आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ध्यान दिया जाए। तो ये देखिए, अरे आप 40 कामल लेंगे 65 प्लस
प्रतिशत। यहां देखिए 80 × 75, ये तो सरल, 40 × 2 = 80, 75%। यस, तो 75 × 150 150% बराबर 65% धन 100%। इसको इस तरफ लाके घटा लो तो 150% माइनस 65% बराबर 100%, तो ये कितना आ रहा है, 85% आएगा। 150 में से 50 घटाते तो 100 आता है, तो 15 और घटाना है तो 85% होगा 100%। तो वो अननोन पर्सन 85 में आंसर नहीं कोई, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो वही मैं कह रहा था कि ये हमको 80% भी आंसर क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो देखिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 80 क्वेश्चन टोटल रहा, ओकर कै पर्सेंट कुल सही होना चाहिए, 75% सही होना चाहिए। जोने में अर्पिता 40 क्वेश्चन तो 65% पाए, तो शेष 40 क्वेश्चन कितना परसेंट पावे, तो जाहिर है को 75 से ज्यादा तो होना चाहिए। कहां से कि एवरेज क्या करना है, 75 पे ले जाना है, या एक एवरेज में आप एक इस टाइप का पढ़े होंगे, एवरेज में एन वन एक्स वन प्लस एन टू एक्स टू अपान क्या एन वन प्लस एन टू, ये चीजें। इससे भी सवाल वही बात तभी है, टोटल क्या चाहिए, ये 75% चाहिए, एवरेज जो आपका क्या चाहिए 75 चाहिए, तो यहां से भी हल हो जाएगा। तो एन वन आपका है 40 क्वेश्चन 65% धन, फिर 40 क्वेश्चन कै परसेंट एक्स परसेंट बटे एन वन प्लस एन टू, मतलब 40 + 40 मतलब 80। देखिए तो 80 × 75% बराबर, फिर वही केस आ गया, यही लाइन तब भी आ गया, तो वही कंसेप्ट है, एवरेज वाला ही कंसेप्ट। तो एवरेज 75% का चाहिए तो इसमें रखेंगे तभी आ रहा है एवरेज अंक, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, पांचवां सवाल देखा जाए, पांचवां सवाल हमसे कह रहा है किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए, उसे केवल 48 अंक मिले और वह 48 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, तो कुल अंक क्या है। तो माना कुल अंक x है, माना कुल अंक x है, तो उत्तीर्ण किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए, तो x का कै परसेंट चाहिए, 48% चाहिए, 48% माने 48/6, ये पास होने के लिए केवल है। किसी छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंक कितना चाहिए, 48%, तो पास होने वाला नंबर है, लेकिन x अज्ञात है। आगे चलते हैं, चल उसे केवल 48 अंक मिले और वह 48 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। 48 नंबर वो लड़के ने पाया, 48 नंबर से फेल हो गया, मतलब 48 और पाया होता तो पास हो जाता, तो ये भी पास होने वाला नंबर, ये भी पास होने वाला नंबर, बस हल कर लेना चाहिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो यक्स गुड़े 48/100 बराबर 48 × 48 = 48, तो 48 × 2 = 96 या 2 × 48, तो देखिए यहां से 48 कैंसिल हो रहा है, तो यक्स बराबर 100 × 200। यस, तो कुल अंक जो है 200 अंक कुल रहा होगा, इसका 48% क्या है, पास होने के लिए चाहिए, ध्यान दिया जाए 48% चाहिए, तो पास होने वाला अंक बताइए, तो 200 का 48% निकाल लो। अगर ऐसा पूछा होता पास होने वाला अंक है, न्यूनतम अंक पास होने वाला कितना है, तो 200 का 48% निकाल लेते, जो आता वही हमारे लिए आंसर हो जाए, मतलब 96 नंबर आएगा 200 का 48% 48/100 = 96, पास होने वाला अंक था और टोटल अंक कितना था 200 वाला। तो काफी आसान सवाल था, सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए और आज का आखिरी सवाल देखा जाए, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो कई परसेंट फेल हो गए, 40% फेल हो गए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है 400 है, परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर मान लेते हैं क्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या x है,
60% उत्तीर्ण हुए तो 40% फेल हो गए, तो यक्ष का 40% माने 40/100। ये क्या है? फेल होने वाले लड़के, और फेल होने वाले कुल लड़कों की संख्या की कितना दिया है? 400। बस खत्म हो गया। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, ये भी फेल होने वाले लड़कों की संख्या, ये भी फेल होने वाले लड़कों की संख्या। अगर ये पास वाले विद्यार्थियों की संख्या दिया होता तो यक्ष का 60% बराबर पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। बस खत्म हो गया सवाल विद्यार्थी, आपको हल करना मात्र है। तो देखिए कितना, तो 40 दहा में 400, 100 × 10 1000। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 1000 थी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।